नमस्कार दोस्तों, रायपत क्रिकेट स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विराट कोहली दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज, उनके जैसा बैटिंग करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो जिस एटीट्यूड से, जिस माइंडसेट से बैटिंग करते हैं, वैसा कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब की टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके गेम की अगर हम लोग 10% भी अपने गेम में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हमारी जो गेम की लेवल है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाएगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके गेम के कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एकदम सिंपल में, जिससे आप उनके जैसा ना सही लेकिन उनके गेम के अगर 10% भी बराबरी कर पाते हो तो आपकी गेम जरूर इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको विराट कोहली के जैसा बैटिंग करना सिखाऊंगा, जी नहीं, लेकिन उसके गेम में जो मेन पॉइंट है उसको अच्छे से समझ के इस वीडियो में आपको सिंपल में बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि मैं जो आपको बताऊँ वो अच्छे से समझ में आए और ये सब आप अपने गेम में, अपने बैटिंग में इम्प्लीमेंट कर पाए, जिससे आपकी गेम इम्प्रूव हो। तो इस वीडियो को आप लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलो अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें, जो विराट कोहली के बैटिंग को बाकी से यूनिक बनाता है और बाकी उसे ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाता है वो है उनका बैकलिफ्ट। तो बाकी के बैट्समैन को आप लोग देखते होंगे कि उनका बैकलिफ्ट सिर्फ ऐसे उठता है बॉल को खेलने से पहले, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग विराट कोहली के बैटिंग को देखोगे ध्यान से तो उनके बैकलिफ्ट के दौरान राइट हैंड के शोल्जर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो जब भी उनका बैकलिफ्ट उठता है उनका शोल्जर भी ऑटोमेटिकली इस प्रकार से उठता है, जिसकी वजह से उनके शॉट में ज़्यादा पावर जनरेट होती है। आप लोग ये देखते होंगे कि विराट कोहली जब भी शॉट खेलते हैं आप लोगों को लगता है कि आराम से खेला, आसानी से बॉल को खेला, लेकिन उसकी बॉल बैट पे लगने के बाद काफ़ी जोर से जाती है, उनकी टाइमिंग हमेशा अच्छा रहता है। तो उस दिन आप लोग T20 में देखा भी होगा कि विराट कोहली ने जब छक्का मारा बिना हाथ को खोले ऐसे ही छक्का मार दिया था। तो ये सब कुछ उनके बैकलिफ्ट के वजह से ही होता है, ठीक है। उनका बैकलिफ्ट काफ़ी हाई होता है और शोल्जर से वो उठाते हैं इस प्रकार से, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर अलग वीडियो देखो जिसमें विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, तो विराट कोहली के बैटिंग के वीडियोस को आप लोग देखो और उसमें ध्यान लगाकर देखो उनके बैकलिफ्ट के ऊपर, और उसके बाद आके इस वीडियो में आप लोग कमेंट करो कि मैंने सही पॉइंट को पकड़ा है या फिर नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो विराट कोहली को रन मशीन कोहली बनाता है वो है उनका बैलेंस। तो कोहली को आप लोग कभी भी ऐसा नहीं देखते हो कि शॉट खेलते टाइम वो गिर गया, और उनका बैलेंस हमेशा प्रॉपर रहता है। जब वो फ्रंट फुट में शॉट खेलता है तो उनका बॉडी वेट प्रॉपर फ्रंट फुट में होता है, और जब वो बैक फुट पर शॉट खेलता है तो उनका प्रॉपर बॉडी वेट बैक फुट पर ही रहता है, ठीक है। जब भी वो अपने स्टांस में आता है खड़ा रहता है इस प्रकार से, और जैसे ही बॉलर अपने एक्शन में आता है अपने घुटनों को बैन करके पोजिशन ले लेते हैं, और उसके बाद जिस हिसाब से बॉल आता है उस हिसाब से उसको खेल देते हैं। विराट कोहली को रन मशीन कोहली बनाने में उनका बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। दोस्तों, उसके बाद जो विराट कोहली को यूनिक बनाती है वो है उनका फोकस। तो बाकी के बैट्समैन को आप लोग देखते होंगे कि वो फोकस उतना फोकस के साथ नहीं रहता है, और जिस हिसाब से विराट कोहली रहता है तो उनका फोकस आप लोग देखते ही बनते होंगे, किस हिसाब से वो पिच पर रहता है, किस हिसाब से वो रन छुड़ाते हैं, और किस हिसाब से वो आँखों ही आँखों में इशारा करते हैं बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकर है उनके साथ। जिस प्रकार से वो बीच मैदान पर बैटिंग करते टाइम फोकस रहते हैं, उसी प्रकार से फील्डिंग करते टाइम भी वो फोकस रहते हैं, कप्तानी करते टाइम भी हमेशा फोकस रहते हैं। तो ये फोकस भी उनको औरों से यूनिक बनाता है और वर्ल्ड के नंबर वन बनाता है। हम लोग दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग आखिरी पॉइंट के ऊपर बात करें तो है विराट कोहली का एटीट्यूड। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो आपके अंदर अगर एटीट्यूड नहीं होगा तो आप क्रिकेट में क्या किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं कर सकते। तो उनका एटीट्यूड देखते ही बनता है। तो जब विराट कोहली की बैटिंग करने के लिए फील्ड पर एंट्री होती है, फील्ड का एनवायरनमेंट ही कुछ चेंज हो जाता है, तो फील्डिंग करने वाला टीम भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है और बॉलर भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और सामने वाले कप्तान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं वो कि उनको आउट कैसे किया जाए, उनके लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए। तो यही है उनका एटीट्यूड, ठीक है। तो उनका एटीट्यूड उनको हमेशा यूनिक बनाती है और उनको हमेशा महान बनाती है।
दोस्तों यही थे कुछ पॉइंट जो कि विराट कोहली के बैटिंग से हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको टेक्निक के ऊपर बात करी है कि उनका टेक्निक कैसे यूनिक बनाती है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने बैकलिप्स को उठाते हैं उसके बाद देखोगे कि जब बॉल आपके बैट से कनेक्ट होती है वो काफ़ी जोर से निकलेगी। तो इसको भी फॉलो करो और उसके बाद जो मैंने आपको बताया अपने बैलेंस को प्रॉपर बनाए रखो। अगर आप बैलेंस के साथ बैटिंग करोगे तभी आप अच्छे से बैटिंग कर पाओगे। और आखिर में जो मैंने आपको बताया कि माइंडसेट की बात, उनकी एटीट्यूड, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी मतलब क्रिकेट खेलते हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाकर बैटिंग करो बिना डरे। अगर आउट हो गए तो हो गए, ऐसा सोचो कि अगर आउट हो गया तो क्या होगा, अगर मैं 0 पे आउट होकर वापस चला आया क्या होगा, बॉलर इतने तेज फेंकने वाले हैं, ये सब अगर माइंड पे रख के बैटिंग करने के लिए जाते हो तो आप 0 पर ही आउट हो गए। वहीं पर अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे, आप ये सोचकर जाओगे मैं आज रन बनाने वाला हूँ, तो आपके साथ वैसा होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होगा किसी को पता नहीं है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होगा, अगर निगेटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव होगा आपके साथ, ठीक है। तो अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सीखने को मिले, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एन्जॉय योर गेम।